ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग के लिए यार आप लोगों की ना बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो गाइस मैं आप लोगों के लिए फोटो एडिटिंग लेकर आया हूं। तो गाइस आप लोगों को बस करना क्या है गाइस, एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइस मेरे को जो मतलब ये वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगी, तो बस गाइस उसके लिए एक वीडियो लाइक कर देना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के से रिलेटिव आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टेंट मिलते हैं, तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसमें मॉडल कैसा रखना है आपको मैं वो बता देता हूँ। तो गाइस मॉडल जो है आपका वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, मतलब पोज आप देख लो यहाँ पे ध्यान से। एंड बाकी गाइस आपको जो है अपने इस मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना है, जो आपकी फोटो होगी उसका बैकग्राउंड इरेज करना है। एंड इसको इरेज करने के बाद कुछ इस टाइप का मैंने बना दिया इरेज करके। तो अब गाइस देखिए आप बढ़ते हैं वीडियो को एडिट कैसे करना है। वीडियो तो मैं एडिट करूंगा, फोटो आपको कैसे एडिट करनी है मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस देखिए आपको पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है एंड पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है। एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को जिसका आपने बैकग्राउंड इरेज किया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को उसको ऐड करना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो है ये मतलब जो कैंसी है ना जिसके ऊपर रॉकी भाई ने अपना पैर रख रखा है, आपको भी सेम वैसे ही अपना पैर यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप चाहो तो बिल्कुल आप स्टैंड होके भी वहाँ पे खड़े हो सकते हो, पोज आपके ऊपर मैटर करता, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, पोज सेम टू सेम भी करोगे तो मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको अपने मॉडल की ओपेसिटी कम करनी है, इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको नीचे से थोड़ा सा जो पार्ट है उसको इरेज करना है, ताकि जो मतलब लगे कि आपका जो पैर है वो टैंक के अंदर है खड़ा है, मतलब कि और थोड़ा सा पैर जो आपका टैंक के अंदर है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको ओपेसिटी यहाँ पे फुल करनी है एंड अच्छे से आपको अपने मॉडल को यहाँ पे बैठाना है। बैठाना क्या है मतलब कि खड़ा करना है, क्योंकि एक टांग जो है मतलब कि थोड़ी खड़ी है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से। बाकी गाइस आपको इसमें एक शेडो भी बनानी है, ठीक है। तो शेडो बनाने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ऐड फोटो में एंड ऐसे बैकग्राउंड में जाके एक ब्लैक कलर का जो यहाँ पे बैकग्राउंड है इसको ऐड करते हैं। एंड ऐड करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देते हैं, ताकि जो मतलब पूरे बैकग्राउंड में मतलब पूरी फोटो में आ जाए एंड जहाँ जहाँ पे हमें शेडो चाहिए होंगे वहाँ पे शेडो बना सकें। तो इरेज़र टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज रखेंगे उतना जितना हमें जहाँ पे शेडो चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटो को जूम करेंगे, फोटो को जूम करने के बाद हम वहाँ वहाँ पे पेंट करेंगे जहाँ जहाँ पे हमें शेडो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करना है एंड यहाँ पे हमें शेडो चाहिए तो यहाँ पे चार पेंट करना ही पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद आपको फिर डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। ओपेसिटी अपने हिसाब से देख लेना, आपको जितना ठीक लगे उतना रख लेना। उसके बाद हम फोटो को यहाँ पे डन कर लेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद एक हम बिगिनेट का पीएनजी लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि फोटो जो मतलब नीचे जो शेडो वगैरह होगी ना वो दोनों की मैनेज हो जाएगी, जो दो मॉडल है ना उन सबसे जो है शेडो मैनेज हो जाएगी। तो आपको इसको लगाना है, ठीक है, ये लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो शेडो से मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो को डन करना है एंड यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का काम खत्म होता है। अब बारी आती है हमारी लाइट रूम ऐप की, तो अभी हम इसको सेव करते हैं ताकि लाइट रूम ऐप में हम इसको एडिट कर सकें। तो अभी हमने इसको सेव कर लिया है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे एंड फोटो हम वहाँ पे इंपोर्ट करके रखते हैं पहले से ही, ठीक है, तो आप लोग कर लेना। बाकी गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है मतलब यहाँ पे लाइट वाले में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हल्का सा इंक्रीज करना है, हाईलाइट को यहाँ पे कम करना है, ठीक है। हाईलाइट को कम करके शेडो को इंक्रीज करना है, ताकि फोटो में जितना भी डार्कनेस होगी वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगी, ताकि हम फोटो को डार्क तो बाद में भी कर लेंगे। बाकी आपको यहाँ पे व्हाइट कम करना है, ब्लैक बढ़ाना है एंड जाना है आपको यहाँ पे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक वाइब्रेशन का ऑप्शन, उसको बढ़ाना है एंड टेम्परेचर का भी ऑप्शन मिलेगा, उसको थोड़ा कम करना है ताकि फोटो में हल्की फुल्की ब्लू टोन रहे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन हम इसका माइनस करेंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, ठीक है, फोटो के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना। येलो कलर लेंगे, अब जैसे कि येलो कलर है अब हमें इसका ह्यू चेंज करना है, हमें ऑरेंज टोन में डालना है, तो हम इसको ह्यू को ऑरेंज टोन की तरफ ले जाएंगे। फिर ग्रीन कलर लेंगे, हमें ग्रीन कलर नहीं चाहिए तो हम सैचुरेशन और ह्यू दोनों माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ब्लू कलर में, हमें जो रोकी वाई की जो कपड़े हैं उसको हमें स्काई ब्लू देना है, तो हम यू माइनस और सैचुरेशन प्लस। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे डन। डन कर देने के बाद गज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ पे हम फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको इंक्रीज कर देंगे, फोटो में जो विगनेट है हम वो डाल देंगे एंड इसके नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे गाइस ग्रेन अमाउंट, आपको इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। ग्रेन अमाउंट इसलिए बढ़ाना क्योंकि थोड़ी सी हल्की हल्की नॉइस आ जाए फोटो में। फिर आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नॉइज रिडक्शन आपको वो डाल देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।